अब देखिए, ये सवाल मेरे पास काफ़ी टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का आता है। हम स्टॉक मार्केट को नहीं देख सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम स्टॉक मार्केट को खोल कर देखें, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम ये सिलेक्ट करें कि हमें किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड खराब परफॉर्म कर रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आपको स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं पता है, आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आप अगले 20 साल के लिए इन दो म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप पैसा डालकर छोड़ देंगे तो वो पैसा आपका इजीली, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, एफडी है, पीपीएफ है, इसके अलावा जितने भी आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाउस है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप जहां पर भी करते हैं, उससे ज्यादा बेटर रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे देंगे। आपको रेगुलरली ट्रैक नहीं करना है आपका म्यूचुअल फंड कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, आपको मार्केट खोलकर नहीं देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इन दो म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाकर भूल जाना है और 20 साल बाद अगर आप देखेंगे एक ह्यूज कैपिटल आपने जनरेट कर ली होगी। अब याद रखिए, ये जो कैपिटल है ये आप अच्छी खासी जनरेट कर लेंगे, लेकिन ये स्पेसिफिकली मैं उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के बारे में समझते नहीं है, आपको इन दो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर भूल जाना है। पहला म्यूचुअल फंड आता है निफ्टी 50 इंडेक्स का फंड। अब देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स जो है इसने सिंस इंसेप्शन अगर आप देखेंगे 13% से ज़्यादा की रिटर्न दी है, पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे 12-13% के आसपास की रिटर्न दी है, 5 साल में भी 11-12% की रिटर्न दी है। तो पिछले 30-35 सालों से रेगुलरली निफ्टी 50 इंडेक्स आपको 12-13% की रिटर्न दे रहा है। तो ये जो इंडेक्स है ये पिछले 30 सालों से 12-13% की रिटर्न दे रहा है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि आने वाले 10-12 सालों में ये उतनी रिटर्न नहीं दे पाएगा, 1-2% कम रिटर्न देगा, 10% की भी अगर ये रिटर्न देता है तो भी आपकी जो वेल्थ है वो आपके बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर जनरेट हो पाएगी, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स यहाँ पर बेटर होगी और आप एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाने का मतलब हो जाता है कि आप जितनी निफ्टी 50 इंडेक्स रिटर्न देगा उसके आसपास की ही उसकी 0.4-0.5% कम रिटर्न आराम से जनरेट कर लेंगे। आपको करना क्या है, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लेना है, उसमें पैसा लगाते रहना है, SIP कराते रहिए, वन टाइम डालना है वन टाइम डाल के भूल जाइए, जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं, SBI, ICICI, कोटक, जो भी बढ़िया म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक्सेस, इसके अलावा UTI, इनमें से जो भी आपको अच्छी लगती है, आपका बैंक अकाउंट है, आपका किसी में आपने म्यूचुअल फंड ऑलरेडी करा रखा है वहां पर करा कर आप छोड़ दीजिए, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं इसमें, तो एक अच्छी रिटर्न्स आपको यहां पर मिल जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि टॉप 50 कंपनीज भी बदलती रहती हैं, तो जो कंपनी खराब परफॉर्म करती रहती है वो निकलती रहती है इस इंडेक्स से, और जो कंपनी अच्छा फ्यूचर वाली कंपनीज होती हैं वो इसमें ऐड होती रहती हैं, और लगातार ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है ये खुद भी अपने आप अपडेट होता रहता है, इंप्रूव होता रहता है, तो जो बढ़िया परफॉर्म करने वाली कंपनीज हैं वो इसमें रेगुलरली अपने आप ही आती रहती हैं और आपको कुछ भी यहां पर नहीं करना है। तो ये एक फंड है जिसमें आप पैसा लगाकर भूल जाइए, कुछ मत सोचिए, कुछ ही मत याद रखिए, 20 साल बाद 30 साल बाद अपना अकाउंट खोल के देखेंगे एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी। दूसरा इंडेक्स, वो भी सिमिलर इंडेक्स है, वो भी इंडिया की टॉप की कंपनीज में पैसा लगाता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। अब इस इंडेक्स ने भी सिंस इंसेप्शन 13-14% तक की रिटर्न दी है, पिछले 10 सालों में 14-15% तक की भी रिटर्न दी है, और पिछले एक साल में हालांकि थोड़ा सा यहां पर ये खराब परफॉर्म कर रहा है। अब ये इंडेक्स क्या करता है, देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया जो बहुत बड़ी कंपनीज में पैसा लगा रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है जो टॉप, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं लेकिन थोड़ी सी छोटी लार्ज कैप कंपनीज हैं उनमें पैसा लगा रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना है तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को पकड़िए, उसका भी एक ऐसा ही निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का म्यूचुअल फंड पकड़िए और उसमें अपना पैसा लगा दीजिए। यहां पर भी आपको
पिछले 10 सालों में 14-15% की रिटर्न आई है। यहां पर भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कम रिटर्न देगा, 11-12% की भी रिटर्न्स देगा, तो भी आपकी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। और यहां पर आपको कंपैरिजन क्या करना है, देखिए लोग बहुत ज्यादा ये गलती कर रहे हैं कि एफडी में पैसा लगाकर भूल जाते हैं, 10 साल 20 साल एफडी में पैसा लगाकर भूल जाते हैं, और ये आपकी वेल्थ क्रिएशन की सबसे बड़ी गलती होती है। आपके पास बहुत सारा पैसा आता है, आप घर खरीद के उसमें भूल जाते हैं, घर में भी आपको 6-7% से ज्यादा की रिटर्न इंडिया में नहीं मिलती है। एफडी में 7.5% 8% की इस वक्त रिटर्न है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये आने वाले 10 सालों की हाईएस्ट एफडी की रिटर्न्स आपको मिल रही है। आने वाले टाइम में ये जो एफडी की रिटर्न्स है ये कम ही होगी, ये इससे ज्यादा बढ़ेगी नहीं, जैसा इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इस वक्त इंडिया में चल रहा है। तो ये चीज भी आपको अपने माइंड में रखनी है। अगर आप, यहां पर मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूं, अगर आपने 1,00,000 रुपए एफडी में लगाए होते, 30 साल के लिए लगाकर छोड़ दिए होते, तो कितनी रिटर्न आपको मिली होती। और यही पैसा अगर आपने 1,00,000 रुपए ही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाकर छोड़ दिया 30 सालों के लिए, तो आप एक देख सकते हैं एक मेजर डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को नहीं भी समझते हैं, आपको बिल्कुल स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, आप स्टॉक मार्केट को ट्रैक भी नहीं करते, तब भी आप इन दो फंड में आराम से पैसा लगाकर भूल सकते हैं। यहां पर तभी आपको लॉस होने वाला है जब इंडिया में बहुत बड़ा रिसेशन आ जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाए, तभी आपको यहां पर नुकसान होगा। देखिए रिस्क यहां पर भी होता है, लेकिन जितना लंबा पीरियड आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, आपका रिस्क उतना ही कम होता जाता है। तो इसीलिए लंबे टाइम के लिए अगर आप पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोचिए, इन इंडेक्सेस में पैसा लगाइए अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है तो उस पर हमने सेपरेट वीडियोस की हुई है, किन म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहिए, कैसे पैसा लगाना चाहिए बोलेंगे तो एक सेपरेट वीडियो हम कर लेंगे, कैसे आप ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड से कमा सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल जीरो नॉलेज स्टॉक मार्केट की है, तो भी आप स्टॉक मार्केट से इन दो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एक अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये गलती मत कीजिए एफडी में, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप 6 महीने साल भर 1.5 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, तो एफडी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, और इसके साथ साथ आपको इस वक्त ठीक ठाक रिटर्न मिल रही है। लेकिन जैसे ही आपका टाइम हॉरिजॉन 5 से 10-20 सालों का होता है, ये दो म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनमें पैसा लगाकर भूल जाइए, एक ह्यूज वेल्थ आपकी ये म्यूचुअल फंड्स क्रिएट कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।